अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किचन। आज हम मिल्क बादाम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है और ये 1.5 चम्मच हमने कस्टर्ड लिया है जिसको ठंडे दूध में घोल के रख लिया है। ये 25 बादाम है, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये 4 टेबल स्पून हमने भर भर के शक्कर ली है। ये शक्कर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं मीठा। और ये कुछ बादाम है, पिस्ता है और ये काजू है। ये हम बारीक बारीक काट लेंगे, इसको भी हम इसमें डालेंगे। ये दूध हमारा बॉयल है, इसको हमने बॉयल करके रखा है पहले से। अब इसमें जो हमने ये बादाम पीसा है इसको डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा बादाम जब ये पक जाएगा तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। अब ये बॉईल होने लगा है, इसमें हम शक्कर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब जब ये शक्कर का कच्चापन निकल जाएगा तब हम इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। अब ये शक्कर डाल के भी जो है हमारा ये दूध खौलने लगा है। इस टाइम आप शक्कर इसमें चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप शक्कर इसमें रखें। कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा हल्का पसंद करते हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, अपने हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं इसमें। अब हम कस्टर्ड को थोड़ा सा चला के धीरे धीरे इसमें डालेंगे और चलाते रहेंगे। जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स काटे हैं इनको भी इसमें डाल देंगे। थोड़े से गार्निशिंग के लिए आप रोक सकते हैं, ऊपर से गार्निश करने के लिए। और इसको हम ठंडा कर लेंगे पहले, जब थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और ये जब बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा तब इसको सर्व करेंगे। इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। और 10 मिनट तक इसको स्लो अच्छे से पका लेंगे हम। ये देखिए अब अच्छा सा ये गाढ़ा सा भी थोड़ा होने लगा है। जब ये फ्रिज में रखा जाएगा ठंडा होगा तो बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें गुलाब जल डाल देते हैं, जो रोज़ वाटर होता है थोड़ा सा डाल देंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा मिल्क बादाम बन गया है, इसको थोड़ा सा हम बादाम से और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही टेस्टी होता है ये। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।